नमस्ते श्री श्रीकाल एंड वनकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सारे भाइयों हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन स्पेशल काजू कतली। ये कैसे बनाते हैं? वेरी इजी, मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अच्छे से सीख लीजिए ये डिलीशियस काजू कतली। इसके लिए चाहिए हमें 500 ग्राम काजू। बहुत अच्छे क्वालिटी के काजू लीजिए, देख रहे हैं ना, इस तरह काजू लेकर इसको अच्छे से साफ भी कर लीजिए। साथ ही साथ 500 ग्राम का शुगर, अगर आप शुगर कम खाते हो तो 400 ग्राम भी चलेगा। थोड़ा घी, 4 स्पून मिल्क पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सिल्वर शीट जो हम लोग डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अभी काजू को पाउडर बनाना है। मिक्सी जार में थोड़े थोड़े काजू डालकर विप करते हुए थोड़ा थोड़ा विप करना, पाउडर बनाना। क्यों? अगर ज़्यादा गर्म हो गया काजू में क्या, जो घी है वो इसको पाउडर नहीं बनने देगा और ये पेस्ट फॉर्म हो जाएगा। हमें चाहिए इस तरह पाउडर फॉर्म काजू पाउडर। इसको छन्नी कर कर इस तरह प्रोसेस बना लीजिए और सारे काजू पाउडर कर दीजिए। देख रहे ना, सारा काजू मैंने इस तरह पाउडर बना लिया। कहीं भी पेस्ट के फॉर्म पे नहीं है। विप विप करते हुए धीरे 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 इसका पाउडर बनाइए। साथ ही साथ 4 स्पून का मिल्क पाउडर डाली हूँ मैं। मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से इसको मिला लीजिए। ये अच्छा मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अगर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है ना। अच्छा सा मिल गया तो हम लोग अभी चाशनी बना लेंगे। चाशनी भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। ये चाशनी हम लोग आधा किलो शक्कर ले रहे हैं तो आधा ग्लास पानी काफ़ी है, ठीक है ना। ये अच्छे से मिल गया है, अभी हमें इसको अलग से रख लेंगे। याद है ना, कौन सा भी स्वीट बनाना है तो कुकिंग विजल को थोड़ा गर्म पानी से धोकर ही यूज़ करना, ठीक है। उसमें शक्कर डाल दिया और 3/4 ग्लास वाटर डाला है मैंने, जो कि शुगर सिरप के लिए जाएगा, ठीक है। अभी इसको अच्छे से घुला लीजिए। शक्कर को अच्छे से घुलना है। आपको पता है ना, शुगर सिरप या जैगरी सिरप जो भी हम लोग बनाते हैं, बनाते क्या करते हैं, उसका फिल्टर निकाल लेते हैं। फिल्टर कर अगर जो भी डस्ट है वो फिल्टर से निकल जाएगा, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको अच्छे से घुला लेंगे। फ्रेंड्स, आज रक्षाबंधन है, मैं बना रही हूँ काजू कतली। आप क्या बना रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने अपने भाइयों के लिए क्या बनाया। मेरे भाइयों को तो बहुत पसंद है काजू कतली, इसलिए मैं आज काजू कतली बना रही हूँ। आप क्या बना रहे हो मुझे कमेंट भी कीजिए, ठीक है। सारा वीडियो देखिए और मुझे बताइए कि काजू कतली कैसे लगा। माने बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, काजू कतली बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप सीख लीजिए और बना लीजिए। ये शीरा का प्रोसेस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसे कैसे बनाते हैं, कितने देर तक पकाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शीरा जो है, मैंने अर्लियर वीडियोस में भी आपको सिखाया, एक तार का शीरा चाहिए। जैसे हम लोगों ने मैसूर पाक पे बनाया, उसी प्रोसेस का एक तार का शीरा चाहिए। हम लोग कैसे देखते हैं एक तार शीरा। थोड़ा बाउल में पानी लिया और ये शीरे को उसमें डाल दिया। अगर ये शीरा डिजॉल्व हो गया तो मान लीजिए ये अभी हुआ नहीं है, इसको और पकाना है, ठीक है। अगर ये शीरे के अंदर हम लोग जब हाथ रखेंगे तो अगर हाथ में लग जाए तब समझ लीजिए शीरा बन गया। अभी ऑफ कर दीजिए इसको, ठीक है। गैस को ऑफ कर दिया और काजू पाउडर मिल्क पाउडर का जो मिक्सचर है वो इसमें सारा इसमें डाल दिया मैंने। डालकर अच्छे से मिला लीजिए सारा पाउडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा मिलाना और रिगरसली मिलाना है। मिलाते ही इसको दोनों एकदम से मिक्स होना, ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से मिलाइए आप। पाउडर डाल दीजिए और शीरे को पाउडर को इस तरह, देख रहे ना कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। इसको हम लोग कम से कम 25 मिनट्स ठंडा करेंगे। इस तरह स्प्रेड करके 25 मिनट्स इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए, बहुत ठंडा होने दीजिए, इसको गर्म नहीं रहना है, ठीक है। जब ठंडा हो गया
तो अब हम लोग इसको गूंधेंगे। ये गूंधने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग आटा गूंधते हैं उसी तरह, लेकिन ज़्यादा मसलिंग नहीं करना है। ये बहुत ही सॉफ्ट स्वीट है, इसको आराम से प्यार से गूंधना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा निकाल कर मैंने ऐसा गूंध रही हूँ। आराम से गूंध लीजिए। गूंध लेने के बाद इसके मेरे चार पेड़े बने हैं, तो मतलब आप जितना थिकनेस काजू कतली में चाहिए उस तरह आप पेड़े निकाल कर रख सकते हो। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा से प्यार से गूंध रही हूँ मैं। थोड़ा 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 इसको बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर कर, इस तरह हमारा डो बन गया है। अभी इसके हम छोटे छोटे पीसेस यानी फोर बनाया मैंने। अभी देखिए इसको फ्लैटन करना है। एक शीट है, शीट पर मैंने ऑयल लगा दिया, सॉरी घी लगा दिया। घी लगा कर और इसके ऊपर भी, डो के ऊपर भी अच्छे से घी लगा लीजिए। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट फ्लैटन करने के लिए घी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और वो शीट के ऊपर डालकर इसको अभी फ्लैटन कीजिए। ये आपकी मर्ज़ी, कितना मोटा काजू कतली या पतला काजू कतली चाहिए आपको, उस तरह आप फ्लैटन कर लीजिए। फ्लैटन करने के बाद क्या करना है, बस डायमंड शेप में कट करना है, है ना? इस तरह फ्लैटन कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये है मुस्कान रसोई पाठशाला से होममेड काजू कतली। देख रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं हम लोग, जस्ट हाफ एन आवर में बन जाएगा। हाँ, 25 मिनट्स तो ठंडा होने के लिए लगेंगे, कोई बात नहीं, बना रहे तो हम लोग 25 मिनट्स में ही ना। तो इस तरह कट कर लीजिए, एजेस को निकाल दीजिए, और हमें डायमंड शेप में कट करना है, तो आप आपकी मर्जी किस तरह कट करना है, लेकिन काजू कतली तो डायमंड शेप में ही रहता है ना, तो उसी तरह हम लोग कट कर लेंगे। ये देखिए थोड़े बड़े काजू कतली हो गए मेरे, है ना? इस तरह आप कट कर छोटे छोटे पीसेस निकाल कर रख लीजिए। ये थोड़ा ठंडा होना है, और ठंडा होना है, अगर ठंडा हो गया थोड़ा सख्त हो जाएगा। देख रहे ना, अच्छे से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिया, और सिल्वर शीट भी इसको लगा देंगे। ठीक है, इस तरह सिल्वर शीट भी लगा दिया, ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहे तो लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेकोरेशन के लिए काजू कतली विद सिल्वर शीट ही तो बहुत खूबसूरत है ना। कैसा लगा होममेड काजू कतली ऑन रक्षाबंधन? फ्रेंड्स, अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जो किसी भी, कोई भी नए हैं अभी चैनल के लिए, तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, कीप एंजॉइंग मुस्कान रसोई पाठशाला। आप मेरे अर्लियर वीडियोस भी देखिए और मुझे भी कमेंट कीजिए, है ना फ्रेंड्स? चलिए अभी के लिए तो ये काजू कतली कैसे लगा कमेंट कीजिए। साइनिंग ऑफ MRP।